दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारी डिफेंस कम्युनिटी में चलता रहता है कि क्या हमें एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए या नहीं। इसी को लेकर अभी एक नई खबर आई है जिसमें ऐसा पता चला है कि डसॉल्ट एविएशन भारत में मेड इन इंडिया राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर नज़र रख रही है, जिससे कि वो भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को इनक्रीज़ कर सके। अभी डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ये चाहता है कि वो भारत में राफेल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करे, जिससे कि वो एक बार फिर से भारत को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को बेचने की फ्रेश पिच कर सकता है। अभी फ्रेंच गवर्नमेंट भारत को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का एक नया ऑफर देने वाली है, जिसमें वो ये कहेंगे कि अगर भारत 100 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो ये सभी फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लेकिन अगर ये ऑर्डर कम नंबर्स में किया जाता है तो फ्रांस भारत को ये ऑफर देगा कि वो राफेल को भारत में तो मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, लेकिन जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स हैं वो भारत से खरीदे जाएंगे। ये ऑफर ऐसे समय पर आ रही है जब भारत 36 फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले से ही इंडक्ट कर रहा है, जो कि 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने फ्रांस से खरीदे थे। ये 36 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को मिल रहे हैं और अभी इंडियन एयर फोर्स 114 नए फाइटर एयरक्राफ्ट चाहती है। अभी एक सवाल ऐसा पैदा हो गया है कि इंडियन एयर फोर्स कौन से नए फाइटर एयरक्राफ्ट को चुनेगी। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि राफेल के चुने जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर इंडियन एयर फोर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और ये हमारी एयर फोर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इससे पहले ही हमारी एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने यह कहा था कि भारत दो नई एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन्स को कंसीडर कर रहा है और अभी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाना है। और अभी गवर्नमेंट सोर्सेस ने भी यही बताया है कि जो एडिशनल राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे उनको लेकर जो आखिरी फैसला लिया जाएगा वो तभी लिया जाएगा जब पहले 36 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर अभी एक नया आर्गुमेंट आ रहा है कि हमें 100 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने चाहिए, बल्कि हमें 36 एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लेने चाहिए और जब तक 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज पूरी होंगी तब तक हमारे इंडिजनस तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, जो कि भारत डिवेल्प कर रहा है। और इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि इसकी प्रोडक्शन भी 2025-26 तक शुरू हो जाएगी। और अगर हम 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को इन पहले खरीदे गए 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज ख़त्म होने के ऊपर ऑर्डर देते हैं तो उनकी डिलीवरी शुरू होने में भी थोड़ा समय लग जाएगा और जब तक बाकी के 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि दो एडिशनल स्क्वाड्रन्स होंगी, उनकी डिलीवरी शुरू होंगी या ख़त्म होंगी तब तक हमारा तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। लेकिन यहाँ तक 100 के करीब डसॉल्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर करने का सवाल है तो इसको लेकर ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत महंगा है और अगर हम 100 के करीब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और जो सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ये होगा कि दो एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन्स खरीद ली जाएँ और उसके बाद इंडिजनस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही फोकस किया जाए। डसॉल्ट एविएशन ने यह क्लियर कर दिया है कि उन्हें 100 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर चाहिए और उसके बाद ही वो भारत में राफेल की प्रोडक्शन फैसिलिटी को शुरू करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की दो प्रोडक्शन लाइंस होंगी, एक फ्रांस में होगी और एक इंडिया में होगी। जो भारतीय प्लांट होगा वो दूसरी कंट्रीज के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से आने वाले ऑर्डर्स भी शामिल हैं। लेकिन अगर हम दो नई एडिशनल राफेल स्क्वाड्रन्स को खरीदते हैं तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी आ जाती है कि ये दो नई स्क्वाड्रन्स राफेल F4 स्टैंडर्ड वाली हो सकती हैं। जैसे कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स की नई नई अपग्रेड आती हैं, वैसे ही राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक नई स्टैंडर्ड आएगा, जैसे कि आप एक अपग्रेड के तौर पर समझ सकते हैं, जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट में नई एडिशनल कैपेबिलिटीज ऐड की जाएंगी, जिसके बारे में डसॉल्ट एविएशन ने ऐसा बताया है कि इनमें से बहुत सारी कैपेबिलिटीज 2022 में ही अचीव कर ली जाएंगी और राफेल F4 फाइटर एयरक्राफ्ट 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार होगा और प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। तो अगर हम हमारे पहले 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज को देखें तो ये डिलीवरीज ख़त्म होने में भी 2023 तक का समय लग सकता है।
तो तब तक अगर हम दो नई एडिशनल राफेल स्क्वाड्रन्स को खरीदने का फैसला लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि जो नया ऑर्डर हो और जो एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं वो राफेल एफ फोर स्टैंडर्ड वाले हों। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि राफेल एफ फोर स्टैंडर्ड है क्या। दोस्तों, जब से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डिवेलपमेंट शुरू हुई है तो इसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में डिवेल्प किया गया है। जो पहले राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए गए थे वो एफ वन स्टैंडर्ड वाले थे, और इसके बाद जो F2 एयरक्राफ्ट आए उनमें एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कैपेबिलिटीज़ थी। और अभी जो F3 और F3R स्टैंडर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, और इसके बाद अभी जो नया स्टैंडर्ड आएगा वो F4 स्टैंडर्ड होगा। जो भारत ने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं वो F3R स्टैंडर्ड वाले हैं। इन नए फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज़ होंगी। इनमें इन फाइटर एयरक्राफ्ट की नेटवर्क कॉम्बैट कैपेबिलिटी की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाएगा। इनमें नए सैटेलाइट और इंट्रा पेट्रोल लिंक्स होंगे, एक कम्युनिकेशन सर्वर होगा और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस होंगे जो कि काफ़ी इम्प्रूव किए गए होंगे। इन एयरक्राफ्ट के लिए नए फंक्शंस डिवेलप किए जाएंगे, जिसमें रडार सेंसर्स को अपग्रेड करना और फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स को भी अपग्रेड करना शामिल है, और इसके साथ ही हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना शामिल है। और इसके साथ ही इस फाइटर एयरक्राफ्ट को नए वेपन्स भी मिलेंगे, जिसमें नई मीका नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है और एक 1000 किलोग्राम की एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन सिस्टम है। इसके साथ ही ऐसी खबर आ रही है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ फ्रांस द्वारा बनाई गई एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने को मिल सकती है, जो कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एक्सक्लूसिव हो सकती है, जो कि अगर भारत को मिलती है तो हमारे लिए एक गेम चेंजर वेपन साबित हो सकती है। इस नए स्टैंडर्ड की टाइमलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 2024 के लिए प्लान किया गया है, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस 2022 तक ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।